ग्राफिक डिजाइन एक्चुअली क्या है? ग्राफिक डिजाइन एक कम्युनिकेशन की टाइप है। ग्राफिक डिजाइन क्या है? कम्युनिकेशन की एक टाइप है, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इट्स अ प्रोसेस, टू वे प्रोसेस। इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, जिसमें हम अपनी बातचीत करते हैं। किसी से भी कोई बातचीत करें, हम आपस में, मैं आप लोगों से इंटरेक्शन कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन बैठे हैं थ्रू इंटरनेट इनसे इंटरेक्शन हो रहा है, जो फिजिकल बैठे हैं थ्रू एयर मेरी आवाज ट्रेवल होकर आप तक पहुंच रही है, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू आप तक पहुंच रही है, ठीक है। अब इस इंटरेक्शन में जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, उसमें उसके रिस्पॉन्स में आप कुछ ना कुछ मुझे आंसर कर रहे हैं, तो इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से किसी से बातचीत करना या कन्वर्सेशन करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन का प्रोसेस कहलाता है। अब कम्युनिकेशन की फर्दर थ्री टाइप्स हैं। कम्युनिकेशन क्या है? अपनी बातचीत के पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? जी सर। जी, स्क्रीन नजर आ रही सबको? मैं इसको, इस कैनवस को एज ए व्हाइट बोर्ड यूज करने लगा हूँ, ताकि जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं उनको भी नजर आती रहे चीजें, ठीक है जी। सबसे पहले अगर राइटिंग में कुछ कमी बेशी हो तो मैं साथ साथ वर्बली बोल भी रहा हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। कम्युनिकेशन, ठीक है जी। कम्युनिकेशन की फर्दर थ्री टाइप्स होती है, थ्री टाइप्स है कम्युनिकेशन की। पहले हमने देखा सेंडर और रिसीवर तक पैगाम एक दूसरे तक पहुंचाना, इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब इसकी थ्री टाइप्स हैं। अभी जीसी वाले जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने बिजनेस में बैचलर्स किया हुआ है, तो कितनी टाइप्स होती कम्युनिकेशन की, पढ़ा आपने? मुझे भी क्योंकि नाम नहीं याद, तो इसलिए मैं नाम बोल गया। अलीना ने शायद बताया था या महाविश ने, अपना जरियाब ने? सर वर्बल होती है, नॉन वर्बल भी होती है, और उसमें थोड़ा सा आपका फॉर्मल इनफॉर्मल होती है। वर्बल होगी, नॉन वर्बल होगी, विजुअल होगी, तीन टाइप्स हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल, ठीक है। विजुअल में क्या होता है? वर्बल में हम जो बोल के कर रहे हैं वो चीज क्या करती है, जो बोल के कम्युनिकेशन करते हैं वो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन आती है। जो हम इशारों से करते हैं, जैसे ट्रैफिक वार्डन करता है, वो बॉडी जेस्चर से कर रहा होता है, वो होती है नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल के बाद आती है विजुअल। अब जो जितने भी साइन बोर्ड्स वायर लगे होते हैं या ब्रोशर पंफलेट होते हैं, उनके साथ कोई बंदा तो नहीं होता जो पढ़ के बता रहा हो आपको, जो सिखा रहा हो, वो आप देखते हो और आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हो, वो आपकी विजुअल कम्युनिकेशन होती है। विजुअल कम्युनिकेशन की फर्दर दो टाइप्स होती हैं। अब पहली चीज हमने देखी ग्राफिक डिजाइन क्या है, कम्युनिकेशन की टाइप है। कम्युनिकेशन में से फर्दर किस कम्युनिकेशन की टाइप है? विजुअल कम्युनिकेशन की टाइप है। अब विजुअल कम्युनिकेशन की फर्दर दो टाइप है, एक आर्ट एंड डिजाइन है, दूसरा ग्राफिक डिजाइन है। दो चीजें आती हैं, आर्ट एंड डिजाइन और ग्राफिक डिजाइन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आर्ट एंड डिजाइन और ग्राफिक डिजाइन में? अब दोनों चीजें अगर देखें, आर्ट में क्या क्या चीजें आती है, पेंटिंग्स आती हैं, ये मतलब आजकल मॉडर्न एरिया तो डिजिटल पेंटिंग्स भी हैं, बहुत तरह की पेंटिंग मैनुअली भी बन रही है, पेपर प्रिंट होकर भी पेंटिंग्स आ रही है हमारे सामने, ठीक है। तो उसमें बेसिक एलिमेंट क्या होते हैं, वो उनमें कोई लाइन होती है, कोई शेप होती है, कोई कलर होता है, कोई टेक्स्ट होता है, कोई पिक्चर होती है, ये पांच चीजें होती हैं। अगर हम ग्राफिकल लेआउट देखें, ये हमारे सामने एक एडवर्टाइजमेंट लगी हुई, जैसे ये सामने लगी हुई है, इसमें क्या है, टेक्स्ट है, कोई शेप है, ब्लू कलर की पिक्चर है, यही चीज है ना, कलर है, लाइन है, शेप है, टेक्स्ट है, कलर और पिक्चर है। सेम हमने देखा पेंटिंग में भी यही चीजें आ सकती हैं। अब दोनों के एलिमेंट सेम हो गए, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक ग्राफिकल लेआउट में और एक आर्ट के लेआउट में, आर्ट एंड डिजाइन में और ग्राफिक डिजाइन में डिफरेंस क्या है? टेक्स्चर ग्राफिक्स में भी होते हैं। ये देखें, आपने कोई भी बाय पेंटिंग देखे, ये कोई देखे, कोई प्रिंट लगी हुई चीज देखे, कोई ब्रोशर देखे, या ये देखें इसका टेक्सचर आ रहा है, ये पिक्चर आ रही है, तो इसका टेक्सचर आ रहा है। अब इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी। सपोज आप एक बहुत बड़ी पेंटर है, आपने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, आपने एक पेंटिंग बनाई, आप कहती मेरी लाइफ का मास्टरपीस है, आपने एग्जीबिशन करवाई, ठीक है, आपकी सारी पेंटिंग सेल होगी, उस पेंटिंग की कीमत आपने 5 करोड़ रखी, ठीक है, वो सेल नहीं हुई अभी तक, लास्ट मिनट में बची, आपके जितने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, सारे कह रहे हैं इसको भी सेल कर दो, प्राइस कम कर लो, इतना महंगी क्यों रखी हुई है? आप कहते किसी को पता नहीं, किसी को समझ भी आ रही है नहीं आ रही, वो कहते, आप कहते किसी को समझ आए या ना आए, मेरे लाइफ का मास्टर पीस है, इसके 1 रुपया मैंने काम नहीं करना, इसकी बात क्या, 5 करोड़ है। मीन वाइल ये अमेजोन पे काम करते हैं भाई, ठीक है, इन्होंने चेयर की भी हम डिस्कस कर रहे थे, इन्होंने चेयर लॉन्च करनी है मार्केट में अपनी, ठीक है, आप लोगों की
इनकी, इन भाई साहब की और जो ऑनलाइन बैठे हैं सबकी क्रिएटिव एजेंसी है, ठीक है। तो इन एजेंसी को ये टास्क देते हैं कि मेरी चेयर को मार्केट में लॉन्च करें, इसके लिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाई, ये कैंपेन बनाते हैं, उसका रिजल्ट ये इनका बनवाने का मकसद क्या कि इनकी प्रोडक्ट सेल हो, इनका इम्पैक्ट इस पे हो, सेल पे आए। अब इन्होंने बनाई अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी कैंपेन बनी, लेकिन वो किसी को समझ ही नहीं आई इन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं, उसकी सेल करना चाह रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बता रहे हैं, उसकी क्वालिटीज बता रहे हैं, नहीं बता रहे, किस तरह लोगों को, लोग कन्फ्यूज हो गए, जो उनकी ऑलरेडी सेल हो रही है वो भी कम होगी सेल देख के, ये पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं ये कंपनी वाले या क्या चीज लेके आ रहे हैं नहीं हमारे सामने, ठीक है। तो आया जब इनको से इनकी मीटिंग होगी तो आया ये इनको पे ऑफ करेंगे कि इनके इन्होंने तो टास्क दिया था कि मेरी चेयर की सेल इंक्रीज करवाएं, तो मार्केटिंग करें, इसकी प्रमोशन करें, कैंपेन चलाएं, तो आया ये इनसे खुश होंगे या नाराज होंगे, उनको पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका तो टास्क ही नहीं फुलफिल हुआ, जो उन्होंने टास्क नहीं दिया था उन्होंने काम ही नहीं किया, उल्टा उनका टाइम भी वेस्ट हुआ, पैसा भी वेस्ट हुआ, ठीक है। इसलिए जो मैसेज वो मात्र लोगों तक पहुंचाना चाहते वो मैसेज पहुंच ही नहीं सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ग्राफिक डिजाइन में और आर्ट एंड डिजाइन में डिफरेंस क्या है, वो उसमें जो आर्टिस्ट जो अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहा है वो किसी को समझ आए या ना आए, उसकी वर्थ क्या थी, 5 करोड़ एग्जिस्ट कर रही थी, जबकि इन्होंने इनको जो टास्क दिया था अगर इन्होंने वो फुलफिल नहीं किया तो ये इनको पे नहीं करेंगे। तो इट मीन्स क्या है कि आपका मैसेज पहुंचना चाहिए ग्राफिक डिजाइन के अंदर, जो आप लोगों को कहना चाह रहे हैं, जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, वो आपका 99.9% लोगों तक पहुंचना चाहिए। 99.9 का मैंने क्यों फिगर यूज किया, कोई शेयर कॉमन हो, इजी हो, और जी आप बता सकते हैं, आप मार्केट में भी काम कर रहे हैं, मेजोरिटी अंडरस्टैंड कर सके। वो जो 0.1% हमने छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा है कि समझ उनको भी आ जाए, और वो लोग हो जिनका उस चीज से इंटरेस्ट नहीं है, जो कुर्सी खरीदना नहीं चाह रहा, समझ आ जाए उसे कि हम कहना चाह रहे हैं हम कुर्सी सेल कर रहे हैं, ये प्लास्टिक में भी है, मेटल में भी है, वुड में भी है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं, मुझे चेयर चाहिए नहीं है, तो मैं उन 1% में आऊंगा कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसलिए उसे समझना ही नहीं चाहूंगा। लेकिन बाकी जिसको भी वो पैगाम हम पहुंचाना चाह रहे हैं, मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, वो मैसेज वहां तक पहुंचना चाहिए। अगर हम इसको डिफाइन करें तो ग्राफिक डिजाइन इज अ टाइप ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन इन विच वी कैन कन्वे आवर मैसेज। इंपॉर्टेंट चीज क्या, मैसेज का कन्वे होना विद द हेल्प ऑफ लाइन, शेप, टेक्स्ट, कलर एंड पिक्चर, 5 बेसिक एलिमेंट है, आर्ट के भी वही एलिमेंट है और ग्राफिक से भी वही बेसिक एलिमेंट है। और दोनों में डिफरेंस क्या है कि आर्ट एंड डिजाइन में किसी को उस पेंटिंग की, हम 100 पेंटिंग्स देखते हैं, मार्केट में भी जाते हैं, एग्जीबिशन में जाते हैं, 100 जगह पेंटिंग्स लगी होती, घरों में लगी होती, किसी के घर गेस्ट जाते हैं, होटल में जाते हैं, वहां पे लोगों ने अपने डिकोर के लिए पेंटिंग दी, हमें समझ आए ना आए हमें उस चीज से कोई कंसर्न नहीं होता। लेकिन एक एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि किसी की सेल है, प्रमोशन है, किसी ने बोर्ड लगाया, कोई ब्रोशर है, कोई पंपलेट है, जब तक हमें वो मैसेज नहीं कन्वे होगा वो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होगा। जो मैसेज उस पर हम कन्वे करना चाह रहे हैं, किसी को जो बात बताना चाह रहे हैं, जब तक वो अगले बंदे तक बात नहीं पहुंचेगी प्रॉपरली तो उसका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, उसका रिजल्ट हमें जनरेट नहीं होगा। तो इसलिए ग्राफिक डिजाइन इट्स अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की वो किस्म है, विजुअल कम्युनिकेशन की वो किस्म है जिसके अंदर हम लाइन्स, शेप्स, कलर, टेक्स्ट और पिक्चर की मदद से अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं। अपना पैगाम जो दूसरों तक पहुंचाना है किसकी मदद से, लाइन, बेसिक एलिमेंट दोनों के सेम है, आर्ट एंड डिजाइन के भी सेम है, ग्राफिक डिजाइन के भी सेम है। ऑनलाइन वाले ग्राफ क्लियर हुआ जी सर? कि हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज किया, ग्राफिक डिजाइन जो है वो टेक्स्ट, कलर, लाइन, शेप, इन चीजों की मदद से अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है। अब आगे फर्दर जाकर हमने इस पर स्टडी करनी, जो इन लाइन, शेप, टेक्स्ट, कलर और पिक्चर को किस तरह यूज करना है, किस तरह हमने अपना मैसेज क्रिएट करना है, उसको विजुअल फॉर्म में, जो हमारे माइंड में है विजुअलाइजेशन है, उसको विजुअल फॉर्म में किस तरह विजुअलाइज करना है, जो हमारी माइंड का मैसेज है, माइंड के अंदर जो हमारी चीज है, हम जिस चीज को हम मैसेज करके कन्वे करना चाह रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं जिस बात को, उसको दूसरों तक प्रेजेंट किस तरह करना है, किन मैनर्स में करना है, उसके लिए सपोर्टिव हमें टूल्स चाहिए होंगे कुछ ना कुछ काम करने के लिए, जिनके साथ हम अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में आएंगे। अब ग्राफिक डिजाइन, अब आज तो हमारे पास टूल्स है, अब मैं क्वेश्चन करूंगा कि आप लोगों से सबसे, जो ऑनलाइन भी इधर भी बैठे हैं, कि आपके ख्याल में ग्राफिक डिजाइन कब से स्टार्ट हुई है? जब से कंप्यूटर इन्वेंट हुए जी, 2001 में जी, एंड ऑफ 90s जी। ऑनलाइन वाले हजरात बारी बारी, कब से ग्राफिक डिजाइन स्टार्ट हुई?
कुछ तो अंदाजा, कुछ वो पंजाबी में कहते हैं तीर तुक्का चला दे, शायद निशाने पे लग जाए। जी मोमना। सर ग्राफिक डिजाइनिंग आई थिंक तब से स्टार्ट हुई है जब से बहुत ज्यादा इस चीज को अवेयरनेस आना शुरू हुई है इस चीज की। पहले भी एडवर्टाइजमेंट होती थी लेकिन इतना ज्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन अब जब से इस चीज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हुई है तब से ज्यादा इस चीज का रुझान बढ़ गया, तो इस पे लोग ज्यादा काम करना शुरू हो गए हैं और एक उभरना शुरू हो गया वो चीज। आई थिंक वो तब से ज्यादा उस चीज पे है, स्टार्ट तो पहले से हुई हुई है लेकिन जो एक सर जब से कंप्यूटर स्टार्ट हुए तब से तो आई भी तब से ही स्टार्ट है, लेकिन उस टाइम में इतना ज्यादा इस चीज का अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था, हमें पता नहीं था उस चीज का, तो इस वजह से उस चीज पे इतना कंसीडर नहीं करते थे लोग। ठीक हो गए जी। जी आमिर साहब। नो आइडिया सर। ठीक है जी। जरिया आप सर 1900 में 1900 में जी। उसके बाद नबील साहब ने ज्वाइन किया। नबील साहब नो आइडिया। अच्छा जी ग्राफिक डिजाइन स्टोन एज का सुना है? स्टोन एज इसको हम जमाना है जहालियत बोलते हैं, तब से स्टार्ट हुई है कि नहीं? हैरान कन बात, तब से स्टार्ट कैसी हुई? तब कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई जुबान नहीं थी, तब लोग कबीलों की फॉर्म में रहते थे और कबीलों की फॉर्म में मूव करते थे, पहाड़ों में गारों में पनाह लेते थे। ठीक है, होता क्या था, एक कबीले ने पहाड़ घर में पनाह ली, वहां पे खाने को मछली है तो उन्होंने दीवार पे मछली की तस्वीर पत्थर से स्केच कर दी, फूल और पत्तों से उसमें रंग भर दिया, सांप है तो सांप की तस्वीर बनाकर उसमें रंग डाल दिया, पानी है पीने वाला पानी बनाकर उसमें कलर डाल दिया। खुद वो आगे चले गए, जब पिछला कबीला आके उनकी जगह उस घर में स्टे करता था तो सबसे पहले वॉल रीडिंग करते थे, वॉल रीडिंग करते थे तो उन्हें पता चलता था यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मछली है कहीं ना कहीं पीने को पानी भी मिल जाएगा, सांप का खतरा है, शेर की पिक्चर है तो शेर से खतरा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता होते होते पहले हाथ से, आपने देखा होगा सुना होगा, हाथ से बैनर बनते थे, हाथ से लिखा जाता था, पोस्टर बनते थे, दीवार वॉल चॉकिंग होती थी। आज भी आप जीटी रोड पे जाएं टेलीनॉर यूफोन जैस के दीवारों के ऊपर बैनर वॉल लगे होते हैं, डिजाइन बने होते हैं हाथ से, पेंट के बने होते हैं। कौन कौन किस किस ने ऑब्जर्व किया जीटी रोड पे, कभी जीटी रोड पे ऑब्जर्व किया? वो उसी के एडवांस फॉर्म हुई तो हमने उनको एक डिजाइन को डिफरेंट जगह पर रिपीट करना शुरू कर दिया, हाथ से बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, होते होते अब उसमें क्या इशू आने लग गया, क्या वो उसमें सिमिलैरिटी नहीं आती थी, एक जगह कुछ थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, एक में कोई वेरिएशन आ गई, एक में कलर की आ गई, एक में साइज की आ गई, एक में शेप की आ गई। फिर हमने आहिस्ता से जब कंप्यूटर आ गया तो हमने सोचा, इंसान ने सोचा कि जी ये एक यूनिफॉर्म डिजाइन होना चाहिए, एक डिजाइन बनना चाहिए। अब वो ऐसा ऐसा जब सोशल मीडिया आ गया, ये चीजें आ गई, अब वो पूरी दुनिया में, अब हम एक डिजाइन इधर बैठ के बनाते हैं, जस्ट सोशल मीडिया पे उसे वायरल करते हैं, पूरी दुनिया में वायरल हो जाते हैं। अमेजोन क्या कर रहा है आप उस पर, क्या है पूरी दुनिया पे बैठ के मार्केटिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पे बैठ के किसी को वर्चुअली ये तो नहीं पता कि आप कहाँ बैठे हुए, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप यूएसए में बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग, जितनी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही सारी इस तरह हो रही है, उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग है, आप यहाँ बैठ के बाहर की कंपनीज को सर्व कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग क्या है, यहाँ बैठ के आप डिजाइन बना के बाहर भेज देते हैं, डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं। तो होते होते क्या है, कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर ने ये आसानी पैदा कर दी, पहले मैनुअल टूल्स हम यूज करते थे, कंप्यूटर ने हमें एक स्टैंडर्ड टूल्स दे दिए, जो कि हर बंदा स्टैंडर्ड टूल्स को यूज करते हुए उन टूल्स के साथ मैं भी उसी तरह का काम कर सकता हूँ, आप भी उसी तरह का उन टूल्स को यूज करके कर सकते हैं, ताकि यूनिफॉर्म डिजाइन बनने शुरू हो जाए, ताकि हर जगह एक जैसी चीजें सिमिलैरिटी नजर आनी शुरू हो जाए। पहले वेरिएशन बहुत ज्यादा थी तो कॉन्टिन्यूटी नहीं क्रिएट होती थी, ये नहीं पता चलता कि ये ऐड जो लगा ये इस कंपनी का तो अगली जगह पर उसने बनाया तो वो सेम वही ऐड है या कोई और ऐड है, ताकि उसमें वेरिएशन आ जाती थी। इसलिए आज के मॉडर्न एरा में चीजें होते 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 तो क्या हुआ, कंप्यूटर पे आ गई, उसमें डिफरेंट टूल्स आ गए, उसमें फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, कोरल है, इन डिजाइन है, एक्सडी है, थ्री डी है, टू डी है, इसमें डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट टूल्स है। अब मार्केट में दो तरह के लोग हैं, एक टूल ऑपरेटर है, एक ग्राफिक डिजाइनर है। टूल ऑपरेटर और ग्राफिक डिजाइनर में क्या डिफरेंस है, हमने यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हैं, हम आज सारे इकट्ठे हैं, हमने यहाँ पे टूल ऑपरेटर नहीं बनना, हमने ग्राफिक डिजाइनर बनना है। टूल ऑपरेटर वो होते हैं जो कि टूल पे बेस कर रहे होते हैं, आज टूल है इसका मतलब अगर आप टूल ऑपरेटर हैं, आपने आप कहते हैं मेरा टास्क क्या है, मैंने फोटोशॉप सीखना, मैंने इलस्ट्रेटर सीखना, इसकी बहुत डिमांड है कि मैंने ये टूल से कल को अडोब वाले या जिस भी कंपनी का वो सॉफ्टवेयर बनाना बंद कर देंगे तो आपकी स्किल्स खत्म होगी, इसका मतलब कैरियर खत्म नहीं। हमने
विद एस्थेटिक्स डिजाइनर क्या करता है, टूल्स को एज ए हेल्पिंग एंड यूज करता है, अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए टूल को यूज करता है। आपने हमने डिजाइनर बनना है, जिस तरह इसकी थ्योरी भी आएगी, जिस तरह लैंग्वेज हमने कहा ना, ये लैंग्वेज कम्युनिकेशन की टाइप है, उसके लिए लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए किसी न किसी जुबान की जरूरत पड़ती है। उर्दू में कम्युनिकेट करते हैं हम, इंग्लिश में करते हैं, मैथ्स है, अरबी है, चाइनीज है, फारसी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, हर एक की अपनी एक ग्रामर है। इस तरह ग्राफिक डिजाइन की भी एक ग्रामर है, इसमें अल्फाबेट्स हैं, इसमें एलिमेंट्स हैं जो कि अल्फाबेट्स का रोल प्ले करते हैं, इसके प्रिंसिपल्स हैं जो ग्रामर का रोल प्ले करते हैं। उन सारी चीज़ों को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लेआउट में या डिज़ाइन करेंगे जो भी चीज़, देन वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगी। अब एक जब हम इंग्लिश सीखते हैं, सपोज इंग्लिश की एग्जांपल देता हूँ, हम उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू भी सीखे, उसमें भी ये सेम फिनोमेना को हमें फॉलो करना पड़ता है। पहले हम अल्फाबेट सीखते हैं, फिर उनको ज्वाइन करके वर्ड्स बनाना सीखते हैं, फिर एक लाइन बनाना सीखते हैं, फिर उसमें ग्रामर मिस्टेक्स आनी शुरू हो जाती है, ग्रामेटिकली उसको करेक्शन करते हैं जब ग्रामर अप्लाई होती है, फिर हम एसेज और इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। इसी तरह डिजाइनर के भी जो ट्रैवलिंग है इसी तरह है, हमने पहले बेसिक किया काम करना है, बेसिक चीज़ें सीखनी है इसमें, फिर उसके बाद हमने उस पर ग्रामर और चीज़ें थ्योरी साथ साथ ग्रिप करते जाना है, फिर हमने ये टूल्स जो हैं ये एज ए हमारे पास सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं जिनको अपने आइडिया जो हमने चीज़ विजुअलाइज करनी है, अपना मैसेज किस तरह कन्वे करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो हमने मैसेज कन्वे करना है उसको किस तरह कन्वे करना है, उसके लिए हमें जो चीज़ें विजुअलाइज करनी है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने टूल्स की हेल्प लेनी है, ताकि हम उनको प्रॉपर प्रोफेशनल मैनर में प्रेजेंट कर सकें, प्रेजेंटेबल वे में लोगों तक पहुंचा सकें। इस पर्पज़ के लिए हमने टूल्स को यूज़ करना है। आपने जब भी आइडिया विजुलाइज करना था, हम जब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमने कॉपी पे उसके रफ स्केच ड्रॉ करना होता है, देन उसको सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है, उसका प्रोसेस ये होता है, ठीक है, ताकि आपने जो चीज़ विजुलाइज करनी है उसको अप्लाई करने के लिए आपको टूल्स की ज़रूरत है। टूल्स अपनी लाइफ को कभी आपने टूल ओरिएंटेड नहीं करना, टूल लाइफ में कोई भी हो सकता है, असल चीज़ क्या, हमने उन चीज़ों को विजुलाइज क्या करना है, उनके अंदर मटेरियल क्या आना है, उनको प्रेजेंट कैसे करना है, किन इफेक्टिव मैनर्स के साथ अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना है, जिससे हमें क्या मिले, रिजल्ट मिले। जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, या हमारे क्लाइंट को जिसके लिए हम काम करेंगे उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो हमें भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब तक हम सक्सेसफुल डिजाइनर नहीं कंसिडर होंगे मार्केट में। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी बेसिक्स का पता होना चाहिए, थ्योरी का पता होना चाहिए, इसके एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, इसके प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए, इसमें जो टर्म्स टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनका पता होना चाहिए, इनमें बेसिक किन चीज़ों के साथ हमने प्ले करना है, किस तरह अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाना है, वो पता होना चाहिए। अब मैं ग्राफिक डिज़ाइन को तीन पोर्शंस में डिवाइड करता हूं, अगर हम ग्राफिक डिज़ाइन स्टडी करेंगे तो उसको मैं थ्री पोर्शंस में डिवाइड करता होता हूं। ऑनलाइन वाले ज़रा समझ आइए जी सर, तो जब हम स्टडी करेंगे इसमें हम थ्री पोर्शंस टूल्स, हम मैं बाद में भी शेयर करता हूँ टूल्स कौन कौन से करेंगे, लेकिन अब हम इनमें से इसमें जो थ्री पोर्शंस को स्टडी करेंगे अपने डिजाइन फेज में, उसमें सबसे पहले आता है लेआउट। अब लेआउट, अब ग्राफिक डिजाइन स्टार्ट हुई, हमने देखा स्टोन एज से स्टार्ट हुई, इसका सबसे बेसिक एलिमेंट है। अब जी और डी के दरमियान में क्या लगा हुआ है, कम्युनिकेट कर रहा है ना, सबसे बेसिक एलिमेंट क्या है, डॉट है। डिजाइन कहाँ से स्टार्ट होता है, डॉट से स्टार्ट होता है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइन कहाँ से स्टार्ट है, इसका सबसे बेसिक एलिमेंट क्या है, डॉट है। अब लेआउट किससे बनेगा, डॉट, लाइन, शेप, कलर, इन चार चीजों से हम अपना लेआउट की स्टडी करेंगे। इन चार चीजों से लेआउट बनता है कि हम लेआउट किस तरह क्रिएट करेंगे, सबसे पहले लेआउट क्रिएट करने की प्रैक्टिस करेंगे, डॉट, लाइन और शेप से, और इसमें कलर यूज होगा, लाइन रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे कलर के साथ, साइज के साथ, इन चीजों को साथ प्ले करते हुए हम सबसे पहले लेआउट की स्टडी करेंगे कि लेआउट कैसे क्रिएट किया जाता है। लेआउट क्या होता है, इन चीजों के कॉम्बिनेशन से, इनकी मैनिपुलेशन से, आपने कोई बैकग्राउंड इमेज या कोई ऐसा डिजाइन रेडी करना होता है जिसके ऊपर आपने अपना क्या प्लेस करना होता है, इमेज। वो इमेज किसका हो सकता है, उस लेआउट पे जो इमेज प्लेस करेंगे वो किसका होगा, आपकी प्रोडक्ट का हो सकता है या कोई करेक्टर का हो सकता है, या प्रोडक्ट का होगा या करेक्टर का होगा, प्रोडक्ट हो सकती है या करेक्टर हो सकता है, किसी मॉडल की या किसी चीज की प्रमोशन कर रहे हैं तो वो करेक्टर आ जाएगा, प्रोडक्ट है चेयर है, कार है, माउस है, लैपटॉप है, किसी भी चीज की हम मार्केटिंग कर रहे हैं, मोबाइल फोन है तो उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रोडक्ट है। क्लियर जी ऑनलाइन वाले, अगर आप
देन सेकंड चीज हम स्टडी करेंगे इमेज। इमेज के अंदर जो हम चीजें स्टडी करेंगे वो तीन चीजें स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है क्रॉपिंग, सबसे पहले क्रॉपिंग आएगा, सेकंड आएगा ट्रीटमेंट, सेकेंडली हम इसमें स्टडी करेंगे क्रॉप ट्रीटमेंट। क्रॉपिंग क्या होता है, अपने ऑब्जेक्ट या करेक्टर को बैकग्राउंड से सेपरेट करना, क्रॉप करके उसे बैकग्राउंड से अलहदा करना। सपोज मैं गाड़ी की कंपेन या कुर्सी की कंपेन करनी है, डिजाइन करनी है, तो उसके मैंने पिक्चर को अपने लेआउट में फिट करना है, चेयर की या गाड़ी की। तो मेरा जो फोटोशूट हुआ है, जो फोटोग्राफर ने फोटोशूट किया, उसने ओपन एयर में कर दिया मुझे। अब मुझे वो बैकग्राउंड चाहिए नहीं, जंगल का है या पीछे दरख्त आ रहा है, कोई गंदी सी दीवार आ रही है, या किसी स्टूडियो में भी अगर हुआ है उसने पीछे ग्रीन कलर लगा दिया, मेरा लेआउट जो कंपेन डिजाइन हो रही है वो रेड कलर में हो रही है, सपोज उसकी ग्रीन कलर के पीछे शीट आ रही, मुझे वो ग्रीन कलर नहीं चाहिए, तो मुझे ग्रीन कलर को रिमूव करना पड़ेगा ना, अपने ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट करना पड़ेगा ताकि मैं अपने लेआउट में से प्रेजेंट कर सकूं। अब उसके लिए मुझे क्रॉप करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड से ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉपिंग। उसके बाद करना पड़ेगा, मैं जब क्रॉप कर लिया इमेज, जब मैं देखूंगा मेरा इमेज इस काबिल है कि मैं उसे लेआउट में एडजस्ट करूं या उसे कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत है। सपोज एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या साइड से कोई हिट कर जाता है आपकी गाड़ी को, तो क्या करते हैं आप, वर्कशॉप लेके जाते हैं, सबसे पहले उसकी क्या होती है, डेंटिंग होती है, फिर उसके बाद ऊपर पेंट, पहले उसके जो डेंट पड़ जाते हैं उसको रिमूव किया जाता है, उसको सही किया जाता है उसकी फिजिकल कंडीशन को, देन उसके ऊपर पेंट किया जाता है ताकि वो प्रेजेंटेबल हो सके, आप दोबारा से उसे रीयूज कर सके। इसी तरह हमने इमेज को जब क्रॉप कर लिया, देन हमने उसकी रिपेयर करनी है, तब हमने क्या करना, उसे रिपेयर करना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है पहले इमेज की, क्या होगी पहले रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी। उसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि आपका इमेज इस काबिल है कि उसे आप यूज कर सकें। पहला फेज क्या आएगा, रिपेयर का आता है, सेकेंडली आप क्या करेंगे, फिर उसकी कलर ट्रीटमेंट करेंगे। अब कलर ट्रीटमेंट में हम देखेंगे आया जो हमारे लेआउट के अकॉर्डिंग भी हमारी प्रोडक्ट का जो कलर स्कीम आ रही है, ये चीजें आ रही है, उसका कलर आ रहा है, वो हमारी लेआउट में एडजस्ट हो रहा है, उसके साथ प्रॉपरली प्रोमिनेंट हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, ना कि वो साथ मर्ज हो रहा है, प्रोडक्ट ही प्रोमिनेंट नहीं हो रही जिसके बारे में हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर वो चीज ही प्रोमिनेंट नहीं होगी तो लोगों पर इम्पैक्ट क्रिएट होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर कलर ट्रीटमेंट उसकी करेंगे। कलर ट्रीटमेंट के बाद लास्ट फेज आता है मैनिपुलेशन का। मैनिपुलेशन, इमेज मैनिपुलेशन में क्या होता है, अब हमने अपने प्रोडक्ट की कलर ट्रीटमेंट भी कर ली, फिर हम देखेंगे कि हमने जिस लेआउट पे डाल रहे हैं वहां पर प्रोमिनेंट नहीं हो रही, ट्रीटमेंट के बाद भी वो हमारी प्रोडक्ट प्रोमिनेंट नहीं हो रही, तो मेरे को बैकग्राउंड इमेज क्रिएट करना होगा, डिफरेंट इमेजेस को मिक्स करके एक न्यू इमेज क्रिएट करना होगा जिसके ऊपर हमने अपनी प्रोडक्ट को प्लेस करना है। एक डिफरेंट इमेजेस को मिक्स करके एक न्यू इमेज क्रिएट करना है जहां पे हम अपनी प्रोडक्ट को प्लेस करना है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, जो डिफरेंट इमेजेस को मिक्स करके न्यू इमेज क्रिएट करने का प्रोसेस कहलाएगा, इमेज मैनिपुलेशन का प्रोसेस कहलाएगा। इसके बाद हम इमेज मैनिपुलेशन स्टडी करेंगे। इमेज मैनिपुलेशन क्या होती है, किस तरह करेंगे हम, उसमें क्या क्या चीजें हम सीखेंगे, किस तरह क्या क्या टेक्निक्स है हमारे पास जिससे हम इमेज मैनिपुलेशन करेंगे। उसमें लास्ट में हमारे पास आता है टेक्स्ट। कोई भी मैसेज किसी भी लैंग्वेज में देना, उर्दू में लिखना, आपने इंग्लिश में लिखना, तो आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा ना। अब टेक्स्ट को आम सिंपल लिखते हैं तो लिखते हैं जी हाथ से लिखे, तो उसे स्टाइलाइज करके लिखे तो क्या बोलते हैं जी माम, हाथ से लिखा हुआ अगर स्टाइलाइज करें तो उसे क्या मोमना बोलते हैं, मोमना सर? जी जी सर बोलिए प्लीज। जी जी मैं पूछ रहा था अगर हाथ से लिखा हो और उसे स्टाइलाइज करके लिखे, उसे फ्रेम भी करवाना हो तो उसे क्या बोलेंगे, ये क्या हुआ है? उसका सर मुझे भी नहीं याद आ रहा, आई डोंट नो हिज नेम। जी और कोई ऑनलाइन वाले, अलीना आमिर, आप लोगों में से बहुत कॉमन सी चीज कहते हैं कैलीग्राफी कहते हैं, बहुत स्टाइलिस करके लिखे हम, कहते नहीं कैलीग्राफी स्टाइल में लिखा हो, कैलीग्राफी करवाई है उसको, बहुत स्टाइलिस करके। अब सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो टाइप करेंगे, हाथ से लिखा हुआ तो खताती होती है, उसको स्टाइलाइज करते हैं कैलीग्राफी, सिस्टम पे करते हैं तो टाइप करते हैं, टेक्स्ट जो टाइप करेंगे तो वो चीज क्या कहलाएगी, टाइपोग्राफी कहलाएगी।
जो अपने टेक्स्ट को सिस्टम पे स्टाइलाइज करके प्रेजेंट करने के प्रोसेस को हम कहेंगे टाइपोग्राफी. आर्ट ऑफ यूजिंग टेक्स्ट इन अ स्टाइलाइज्ड मैनर इज कॉल्ड टाइपोग्राफी. अब ये तीन चीजें हम स्टडी करेंगे अपने ग्राफिक डिजाइन के, जो हमारा जो ट्रेवलिंग होगी उसमें हमने ये तीन चीजों को स्टडी करना होगा. सबसे पहले लेआउट को, देन इमेज को, देन टेक्स्ट को. लेआउट में हम देखेंगे लाइन शेप टेक्स्ट, लाइन शेप और कलर को, डॉट लाइन शेप और कलर से लेआउट बनाएंगे. इमेज में हम स्टडी करेंगे सबसे पहले क्रॉपिंग करेंगे, देन उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे. ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस आएगी, देन सेकंड फेज आएगा उसकी कलर ट्रीटमेंट आएगी, देन लास्ट में हम उसमें इमेज में हम उसे देखेंगे उसकी मैनिपुलेशन, इमेज मैनिपुलेशन, डिफरेंट इमेजेस को मिक्स करके हमने न्यू इमेज कैसे क्रिएट करना है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इमेज मैनिपुलेशन का प्रोसेस होता है. इमेज मैनिपुलेशन हम किस तरह करेंगे, उसके बाद आ जाएगा लास्ट में हम टेक्स्ट को किस तरह मैनिपुलेट करके स्टाइलाइज करके प्रेजेंट करेंगे जिससे विजुअल इंटरेस्ट क्रिएट हो, लोगों का इंटरेस्ट हो और हमारा मैसेज वो इफेक्टिवली लोगों तक पहुंच भी जाए और वो इंटरेस्ट के साथ उसे पढ़े भी. इतना इंटरेस्टिंग बनाना है कि वो पढ़ा भी जाए और इंटरेस्ट से लोग पढ़े भी और इफेक्टिवली उन तक कम्युनिकेट भी हो. ये सारा प्रोसेस करेंगे, इसके लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज करेंगे. उसमें उनमें से जो सबसे बेसिक टूल इस टाइम आज के मॉडर्न एरा में जो ट्रेंडी सॉफ्टवेयर है और मदर टूल समझा जाता है, वो सबसे पहले आता है फोटोशॉप का टूल, जो कि आपको वेक्टर, रास्टर, 2D, 3D हर तरह का इमेज क्रिएट करने का, ऑडियो वीडियो हर चीज को कंट्रोल करने की ऑप्शन देता है. उसके बाद आता है इलस्ट्रेटर, ठीक है, उसके बाद कोरल है, इनडिजाइन है, इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं. लेकिन हम जो पहले सबसे करेंगे वो फोटोशॉप करेंगे, देन इलस्ट्रेटर करेंगे. फिर जैसे जैसे टाइम होगा साथ साथ बाकी जितने मैक्सिमम होंगे कोशिश करूंगा वो भी आपको बाकियों का फ्लेवर जरूर साथ मिल जाए, ताकि ये दो मेन टूल होंगे जो इन डिटेल करेंगे हम. बाकियों को हम ओवरव्यू करते हुए, क्योंकि 2 मंथ्स का हमारा कोर्स होगा, ओवरव्यू करते हुए उनको गुजर जाए. और एक एडिशनल सॉफ्टवेयर है उसमें 1 दिन में या 2 दिन में वो हो जाता है इन पेज का, क्योंकि हम लोकल मार्केट में बैठे हैं. बेशक हमें आजकल ट्रेंड हर कोई सोचता है, जिसने डिजाइनिंग सीखनी है कोई भी काम करना फ्रीलांसिंग या अमेज़न की तरह जाता है, जी मैंने इंटरनेशनल काम करना है, डॉलर्स में करना है. लेकिन लोकल मार्केट में बैठे हुए हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, कोई बंदा मैं ये भी तो कह सकता है, आपको आता हमारा तो दिल्ली से भी कहता है, आप डिजाइनर हो, आप लाखों रुपए ऑनलाइन अर्न कर रहे हो, एक मेरा छोटा सा उर्दू में लेआउट बना दो तो हम वहाँ पे फ्लैट हो जाए, ठीक है. तो ये हमारे लिए वैसे शर्मिंदगी होगी कि हम अपनी जुबान में तो कुछ नहीं कर सकते और वैसे हम डॉलर कमा रहे हैं. इसलिए हम इन पेज को मेरी कोशिश होती है कि जरूर करें, ताकि हम उर्दू का हमें आइडिया हो, हमें कम से कम थोड़ा बहुत तो लिखना आता हो, उर्दू में भी काम करना आता हो, कि अपने लेआउट में हमें उर्दू में अगर हमें उसको उर्दू वेरिएंट निकालना हो किसी डिजाइन का तो उर्दू वेरिएंट भी उसका निकाल सके, ठीक है. ये सारी चीजें होंगी. अब डिजाइनर की रेंज क्या है, अब क्वेश्चन कोई ऑनलाइन वाले हजरात और आप लोग भी, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक कोई चीज क्लियर ना हुई हो? नो सर, सब क्लियर है, थैंक यू जी. बाकी लोग सिर्फ जी सर सब कुछ क्लियर है जी, वही मैं कहने लगा था, अलीना और मोमना दो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. थैंक यू सर. सुमाइला जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, आपको चीजें क्लियर हुई? नबील साहब, आमिर, लेवल सॉफ्टवेयर्स का पूछ रहा था कि कौन से यूज करने हैं हमने इस कोर्स में. जी बच्चे, मैंने अभी वही बताए हैं, ये सॉफ्टवेयर के नाम ही थे, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, InPage उर्दू के लिए, InDesign, CorelDRAW. नहीं सर, वो मुझे पता है, मतलब अगर कोई स्पेसिफिक वर्जन से जो डाउनलोड करने हैं या कोई भी वर्जन. देखिए वर्जन पे मैं एक बहुत सिंपल चीज बच्चों को गाइड करता था. सबसे पहले हमने देख लिया अपने सिस्टम स्पेसिफिकेशंस को. हम कहते हैं हमारे सिस्टम अगर सपोर्ट नहीं करते, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती. इसमें आपने हर एक ने अपनी स्पेसिफिकेशन देखी, उसके अकॉर्डिंग भी वर्जन आपने डाउनलोड करना है, गेट इनटू पीसी से भी मिल जाएगा. हम कहते हैं हम वर्जन लेटेस्ट करें, 2022 का भी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन वो बीटा वर्जन होते हैं, अभी 21 वाला भी बीटा चल रहा है. लेकिन उसकी सिस्टम स्पेसिफिकेशन जो दी होती है ना, हम अपने हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन उसके साथ मैच नहीं करते, बाद में हमारी फाइल्स करप्ट होना शुरू हो जाती है, वो स्टक होना शुरू होती है. अगर आपके पास अच्छा हार्डवेयर है जो कि उस
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को अगर कंपेटेबल है तो आप जरूर लेटेस्ट करें, नहीं तो आप एक दो साल पिछला वर्जन भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं होता। माइनर डिफरेंस होते हैं चीजों के, कोई बिग डिफरेंस नहीं होता। हम लोग कहते नहीं जी शायद पता नहीं जो लेटेस्ट सबसे वर्जन आया ना उसमें पता नहीं कौन सी ऐसी ऑप्शन है, कौन से ऐसे जादू चलाती है। हमने बोलना हमें ब्रोशर बना दो, उसने ब्रोशर बना के सामने रख देना। हमने कहना हमें बोर्ड बना दो, उसने बोर्ड का डिजाइन बना के हमारे सामने ले आना। हमने कहना चेयर की कैंपेन बना दो, उसने चेयर की कैंपेन बना के हमारे सामने लेने। ऐसा कुछ नहीं फीचर ऐड होता, लेकिन वो माइनर चेंजेस होती हैं जो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम हो जाता है। लेकिन जब आप लर्निंग फेज में होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है समटाइम के चीजों को, अपने हार्डवेयर को अपडेट करना। इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है आपकी। तो आप अपनी जो आपके पास करंट अवेलेबल आपका सिस्टम है उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो प्रॉपरली उस पर रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है उन स्पेसिफिकेशन पे आप गूगल करोगे, स्पेसिफिकेशन हर सॉफ्टवेयर के साथ आ जाती है वर्जन की, उसके अकॉर्डिंगली वो वर्जन आप डाउनलोड कर लो, उसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास अगर सिस्टम आपका i5 है या i7 है तो आप उस पर रैम अगर 8 GB है तो 8 GB पे 2020 तक बहुत अच्छा चलता है। 21 और 22 के लिए 16 GB रैम उन्होंने रिकमेंड कर दी। तो अगर आप 16 GB घर वालों पर प्रेशर बिल्ट अप करो, जिस तरह की महंगाई का जमाना है, एक तो कोर्स भी करो, दूसरा 16 GB रैम भी करवा के दो, सिस्टम भी अपग्रेड करके दो, तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट्स पे भी आ जाते हैं। इसलिए मेरी बच्चों को सजेशन यही होती है आप अपने रिकमेंडेड जो आपके हार्डवेयर के अकॉर्डिंग भी सॉफ्टवेयर होता है, हर एक पे काम एक जैसा होता है। बल्कि जो प्रीवियस वर्जन होते हैं वो अप्रूव प्रोफेशनल वर्जन होते हैं, उसमें फाइल करप्ट होने के चांसेस कम होते हैं। जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं जिस तरह 20, 21 और 22 का वर्जन है, अभी तक ये बीटा वर्जन मार्केट में है, ये फाइनल प्रोफेशनल वर्जन नहीं लॉन्च हुए। ये सॉफ्टवेयर जो डेवलप करते हैं ये बीटा वर्जन पहले मार्केट में बेचते हैं, इनको फीडबैक जाता है कि इसमें ये इंप्रूवमेंट के चांसेस है, देन वो प्रोफेशनल वर्जन उसका लॉन्च होता है। तो इसलिए आप 20 भी कर लेंगे, 19 भी कर लेंगे तो कोई कबाहत नहीं होगी, बट वो आपके सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए। उस सॉफ्टवेयर के सीडी लोगे या ऑनलाइन लोगे नीचे स्पेसिफिकेशन दी होती है क्लाइंट में कि आपके हार्डवेयर रिकमेंडेशन क्या है उसमें, तो आप कोई भी कर सकते हो जो आपके हार्डवेयर को सपोर्ट कर रहा हो। इस चीज से परेशान नहीं होना कि हमने इधर शायद इनके पास अभी मैंने ओपन किया तो ये 2020 है, तो 2020 पे करवा रहे हैं तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आएंगी, ऑप्शन सारी वही होती है। क्लियर जी सर, थैंक यू जी। अब नेक्स्ट चीज आती है, एक डिजाइनर है उसने सॉफ्टवेयर भी सीख लिया, सारा कुछ सीख लिया, अब उसका रोल क्या, आपने काम कहाँ कहाँ पे करना है, अब उसका रोल क्या मार्केट में क्या कर सकता है। अब कोई डिजाइनर है, हमने डिजाइनिंग सीख ली, हमें पता होना चाहिए ना हमारी रेंज क्या, हमने क्या कर सकते हैं। अगर हमें यही नहीं पता हम क्या कर सकते हैं तो हम तो फायदा होगा सीखने का जी। क्या ख्याल है आप लोगों के ख्याल में, आप लोग शेयर करेंगे फिर मैं भी करता हूँ अपने रिमार्क थोड़े थोड़े, सारे सारे कीमती व्यूज दें मुझे। आप लोग पैसे दे के सीखते, मैं फ्री में सीखता हूँ जी। एलिना सर दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कीजिए, आवाज ही नहीं आ रही है जी। मैं ये पूछ रहा था बच्चे कि जो ग्राफिक डिजाइनर है इसका रेंज क्या है, इसका रोल क्या है मार्केट में, कहाँ कहाँ सर्व कर सकता है, क्या सर्व कर सकता है एक डिजाइनर, जब हमने सीख लिया अपना कुछ देखा, ये सारा कुछ हम सीख लेंगे जो कुछ हमने देखा एक्सप्लोर किया है, उसके बाद हम कहाँ पे सर्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारी रेंज क्या होगी सर, इस बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे। मोमना सर इसमें डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, हम अगर बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करें जिससे हम लोग अभी इनिशियल स्टेज पे और लर्नर्स पे हैं, तो हम लोग एज अ फ्रीलांसर जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करके और अपनी स्किल्स को पॉलिश करके फिर एज अ इंडिविजुअल आप कंपनी भी खोल सकते हैं, एक टीम बिल्डअप करके थोड़ों को सिखा के और फिर आप टीम बिल्डअप करके तो आप एक कंपनी खोल के तो आप अपना एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेकिन बेसिकली जो मुझे लगता है एज अ फ्रीलांसर से स्टार्ट करके अपनी स्किल्स को पॉलिश करके और अपग्रेड करते जाएं विद द पैसेज ऑफ टाइम और फिर आप मार्केट में सर्व कर सकते हैं और एक एजेंसी भी खोल सकते हैं और एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपकी हर चीज, जैसे हम चेयर की बात करते हैं, चेयर में पहले डिजाइन हुई है तो बनी है, टेबल है पहले डिजाइन हुआ है तो बना है, घर है तो पहले आर्किटेक्ट डिजाइन करता है तो घर बनता है, मिस्त्री फिर उसे कंस्ट्रक्शन वाला फिर ही करता है, आपकी गाड़ी है पहले वो डिजाइन होती है तो गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है, आपकी कोई भी चीज है आप उसको घर को डिकोर करना तो इंटीरियर डिजाइनर, कपड़ा है पहले फैब्रिक डिजाइन होता है वो टेक्सटाइल डिजाइनर करता है, जब वो स्टिच फॉर्म में डिजाइन होता है स्टिच हो जाता है उससे डिजाइनर वो फैशन डिजाइनर आ जाता है,
ठीक है। इसी तरह आप कोई भी चीज है लाइफ में, आप किसी चीज में चल रहे, इवन कि आपका कैरियर है, तो आजकल वो भी आपके कैरियर कंसल्टेंट भी है, वो आपके कैरियर को डिजाइन करते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ कॉमन नहीं है, अब्रॉड में हर जगह पे बच्चों को कैरियर काउंसलिंग की जाती है, उनके सेशन किए जाते हैं, आपको कैरियर ग्रोथ के लिए आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि आपने अपना कैरियर किस तरह बिल्डअप करना है, वो भी डिजाइनिंग है। ठीक है, डिजाइनिंग हर जगह, हम बीइंग ए डिजाइनर हमने आज तक चीजों को ऑब्जर्व नहीं किया, अगर हम देखें तो जिंदगी के हर पहलू में डिजाइनिंग इन्वॉल्व है, हर जगह डिजाइनिंग है, लेकिन हर जगह रोल डिफरेंट है। लेकिन बीइंग ए ग्राफिक डिजाइनर, हम दुनिया में तीन कम्युनिकेशन के मीडियम है। दुनिया में कम्युनिकेशन के टोटल मीडियम कितने हैं? तीन मीडियम है। या तो कोई डिजाइन जो होती है चीजें, वो प्रिंटेड फॉर्म में लोगों तक पहुंचती है, वो प्रिंट कपड़े पे हो, फैब्रिक पे हो, फ्लेक्स पे हो, प्लास्टिक पे हो, लकड़ी पे हो, किसी भी चीज पे हो, लेदर पे हो, किसी भी चीज पे प्रिंट होके हमारे तक पहुंचती है। तो वो क्या चीज आता है? प्रिंट मीडिया। पहला मीडियम कौन सा कम्युनिकेशन का? प्रिंट मीडिया। सबसे बड़ा मीडिया प्रिंट मीडिया का, ठीक है, जिसमें प्रिंटेड चीजें हमारे तक पहुंचती हैं। ठीक है, कोई भी डिजाइनर है जो काम करेगा, उसका काम या तो प्रिंट मीडिया पे चलना होगा, प्रिंट होना होगा। ठीक है, दूसरा मीडियम है कम्युनिकेशन का दुनिया में, मल्टी मीडिया। मल्टी मीडिया में क्या आता है? आज के मॉडर्न एरिया में सोशल मीडिया की बहुत धूम है। सबसे पहले सोशल मीडिया फॉरम आ जाते हैं, आपका फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके अलावा वेबसाइट्स हैं, आपकी प्रेजेंटेशंस, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशंस हैं, गेम्स हैं, ये सारी चीजें, गेम जितनी भी, ये पबजी बहुत इन है आजकल, ये क्या है? मल्टीमीडिया ऐप है। ठीक है, जितनी भी ये गेम्स है, कार रेसिंग है, फाइनल फाइट है, स्नो ग्रास है, जितनी भी गेम्स है, ये सारी मल्टीमीडिया, 2D 3D एक सेपरेट चीज है। ठीक है, लेकिन ये सारी मल्टीमीडिया ऐप्स है। ठीक है, ये सारा कुछ किसने आ जाता है? मल्टीमीडिया में आता है। आपकी उबर की ऐप है, आपकी क्रीम की ऐप है, फूड पांडा है, हर बंदा फूड पांडा, चलो कुछ नहीं जाने का, जाने का फूड पांडा कर लो यार, कहीं खाने को ना लाने को दिल कर रहा है, ना खाने घर बनाने को दिल कर रहा है, ना कहीं जाने को दिल कर रहा है, सबसे आसान हमारे पास आजकल क्या है? फूड पांडा कर लो। ठीक है, वो भी एक मल्टीमीडिया ऐप है। ठीक है, एक डिजाइनर प्रिंट मीडिया के लिए भी काम करेगा, मल्टीमीडिया के लिए भी करेगा। तीसरा स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आता है? आपका सबसे पहले रेडियो था, रेडियो में सिर्फ ऑडियो थी, अब ऐसा ऐसा मॉडर्निज्म आ जाए तो उसमें विजुअल ऐड हो गए, तो क्या बन गया? टीवी बन गया, मूवीज आ गई, फिल्म बन गई, कमर्शियल आ गए, कितनी भी ये सारी चीजें ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाती है हमारी। एक डिजाइनर इन तीनों मीडियम के लिए काम कर सकता है, कोई भी डिजाइनर है। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप डिजाइनिंग मेरे से पाते हो, जैसे PNY से करते, तो सिर्फ आप इन तीनों के लिए करते हो, दुनिया के किसी खित्ते में जिससे भी आपने डिजाइनिंग पढ़ी है, आप को डिजाइनिंग का काम आता, तो आप इन तीनों मीडियम के लिए काम कर सकते हो, प्रिंट मीडिया के लिए भी, मल्टीमीडिया के लिए भी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी। ये जितने भी तीनों मीडियम है, इन तीनों में आप सर्व कर सकते हो। अब आप जो भी डिजाइन बनाओगे, एक अच्छा डिजाइनर वो होता है, उसको पता होना चाहिए कि मैं जो चीज डिजाइन करने जा रहा हूँ किस मीडियम के लिए। हर मीडियम के लिए काम करने की टेक्निक डिफरेंट है, जो कि आगे जाकर हम स्टडी करेंगे। प्रिंट मीडिया के लिए हमने लेआउट डिजाइन बनाने हैं, वहां पे कम्युनिकेशन का स्टाइल डिफरेंट है, इन्फॉर्मेशन की प्लेसिंग का स्टाइल डिफरेंट है, उसको उस लेआउट को डिजाइन करने का पैटर्न डिफरेंट है, कलर्स को यूज करने की सिस्टम डिफरेंट है। जब हम मल्टीमीडिया के लिए करेंगे, वहां पे कम्युनिकेशन का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, जब इलेक्ट्रॉनिक में जाएंगे उससे डिफरेंट है। ये सारी चीजें हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। एक डिजाइनर अगर इन तीनों मीडियम्स के लिए काम कर सकता है, तो वो कैसे करेगा, उसको कौन कौन सी टेक्निक्स को अडॉप्ट करना है, कौन सा टूल कहाँ पे यूज करना है। अब होता क्या है कि हमें, मैं एक एग्जांपल बच्चों को देता होता हूँ कि हमें, हम टूल, मैंने अभी बात की थी टूल ऑपरेटर की, ग्राफिक डिजाइनर की। लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन आजकल हर चीज अवेलेबल है, वहां से इलस्ट्रेटर सीख लिया, कोरल सीख लिया, फोटोशॉप सीख लिया, आपने हर टूल सीख सकते हो, बहुत अच्छे से अच्छे, शायद मेरे से 100 times बेटर ट्रेनर आपको वहां पे मिलेंगे, हमारे इंस्टीट्यूट से 100 times अच्छे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेकिन वहां पे होता है जी, आप वहां से आप टूल सीख लेते हो, जब जॉब आती है मार्केट में, तो उसमें ये नहीं लिखा होता, टूल आपको सपोर्टिव वो पूछता है कि आपको किस किस टूल पे ग्रिप है। जॉब आती है ग्राफिक डिजाइनर की, ठीक है, वो ये कहते हैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है इन टूल्स की, आपको किस तरह क्या क्या काम क्या क्या आता है। आप प्रिंट मीडिया के लिए काम कर सकते हो, आप मल्टीमीडिया के लिए कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक के लिए कर सकते हो, वो ये पूछेंगे आपसे, ये नहीं पूछेंगे आपको फोटोशॉप आता है, आपको इलस्ट्रेटर आता है, आपको कोरल आता है, आपको 2D आता है, आपको 3D आता है, नहीं ये नहीं पूछेंगे। ये सेकेंडरी चीजें हैं, उन टूल्स को पता नहीं पूछना, उन टूल्स की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। आपको प्रिंट मीडिया के लिए काम आना चाहिए, आपको मल्टीमीडिया के लिए काम करना आना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम करना आना चाहिए। इन तीनों मीडियम्स के लिए आप किस तरह काम करोगे और इन टूल्स को किस तरह यूज करोगे। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक फौजी है, सपोज वो जंग पे
लग गई, जंग पे उसकी ड्यूटी बॉर्डर पे लग गई। अब उसके पास उसको मिलती है वेपन्स, मिले डिवाइड होके मिलते हैं जंग के दिनों में, एक उसे ग्रेनेड मिला अपनी मोर्चे को संभालने के लिए, एक उसे गन मिली, एक उसे पिस्टल मिल गया, एक चाकू मिल गया, चार चीजें मिल गई, ऑन ड्यूटी हो गया। अब अनलकीली जहां पे उसकी ड्यूटी है वहां पे अटैक हो जाता है, दुश्मन अटैक करता है किसी भी कंट्री का, वो फौजी है, दुश्मन ने अटैक किया, फायरिंग स्टार्ट हुई, उसने ना आओ देखा ना तो देखा, चलाने से चारों वेपन आते हैं, उसने सबसे पहले फायरिंग शुरू हुई ना, उसने फौरन से ग्रेनेड पकड़ा, ग्रेनेड मारा, फायरिंग बंद हो गई, उसने कहा जी सुकून हो गया, मैं अपना मोर्चा बचा लिया, मैं अपनी जगह पे सक्सेसफुल हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो एक ट्रेलर भेजा था, पूरी पलटून ने हमला कर दिया, अब उसके पास क्या बचा, एक पिस्टल बचा और एक गन बची और एक चाकू, अब उससे वो पलटून रोक सकता अकेला बंदा, टूल तो उसे चलाना सारे ही आते थे, अब वो गन से क्या अपने आप को बचा पाएगा, महम मोमना अलीना मोमना जी, सॉरी सर रिपीट कीजिएगा, सॉरी आपकी आवाज नहीं प्रॉपर थोड़ी आती, दरमियान में इस वजह से बार बार पूछना पड़ता है जी। मैं पूछ रहा था, एक फौजी जंग पे है, ड्यूटी लगी, उसके पास एक ग्रेनेड है, एक गन है, एक पिस्टल है और एक चाकू है, चारों वेपन उसे चलाने आते हैं, उसने वहां से ओपोजिशन को रोकना है अटैक करने से, अचानक से फायरिंग स्टार्ट होती है तो वो फौरन से ग्रेनेड चला के और वो बंदे को मार देता है, उसे नहीं पता एक बंदा था, दो बंदे से चलाता है, फायरिंग रुक जाती है, वो वहां पे एक बंदा था जो फायरिंग कर रहा था, वो ग्रेनेड से उसको मारने के बाद तसल्ली में आ जाता है कि मैंने मार लिया, मैं कामयाब हो गया। अब वो एक ट्रेलर था, उसके पीछे पूरी पलटून आ जाती है, जैसे रुकते कुछ लम्हों के बाद एक पूरी पलटून हमला कर देती है, पूरा एक दस्ता हमला कर देता है, अब उसके पास बचा एक गन बची, एक पिस्टल बचा, एक चाकू, उससे वो उस पलटून को रोक सकेगा? नो सर, अगर वो अकेला तो फिर तो नहीं रोक सकता, उसके साथ कोई साथ उसके और कैंपेन पर है तो फिर तो वाला है, अकेला है नहीं नहीं, क्योंकि उसने ना गलत इस्तेमाल किया ना अपने टूल्स का, जी बिल्कुल, उसे स्मार्टली उसको यूज नहीं किया, जी बिल्कुल, उसे टूल तो चलाने आते थे लेकिन उनके यूज का नहीं पता था कौन सा टूल कहाँ पे यूज करना है, ठीक है, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसी तरह हमने भी टूल भी सीखते हैं साथ बीइंग, इसीलिए मैंने कहा था कुछ होते हैं सिर्फ टूल ऑपरेटर, कुछ होते हैं डिजाइनर, तो हमने डिजाइनर बनना है जिसने टूल्स के साथ उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सीखनी है कि इस टूल की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसकी प्रैक्टिकल वर्क क्या है, इसको प्रैक्टिकली हमें किस तरह यूटिलाइज करना है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, किस सिनेरियो में कौन सा टूल यूज करना है, किस एप्लीकेशन के लिए क्या टूल यूज होगा, कौन से मीडियम में कौन सा टूल यूज होगा। नहीं तो हम उसी फौजी की तरह जहाँ पे हमें गन यूज करनी थी वहां पे ग्रेनेड यूज करके अपने चलाना सारा कुछ आता है लेकिन अपना इंप्रेशन और अपने आप को इनसिक्योर कर लेंगे मार्केट में। इसलिए हमने क्या करना है, अपने आप को ये इतना प्रोफेशनली ट्रेन करना है कि बीइंग हमें एस्थेटिक्स या चीजों का पता होना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पे किस लेवल पे जाके यूज करनी है, किस टूल को किस तरह यूज करना है। अगर वही उसने ग्रेनेड बचा लिया होता तो जब पलटून आई तो ग्रेनेड चला के अपने आप को भी अपने मुल्क को भी बचा सकता था। इसी तरह हमें नेट से हम टूल तो सीख लेते हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही हमें कोई सिखाता कि उनको प्रैक्टिकली किस तरह हमने इम्प्लीमेंट करना है, जो कि हमने यहाँ पे साथ साथ उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सीखनी है कि कौन से मीडियम के लिए कौन सा टूल किस तरह यूज होना है। क्लियर जी सर जी, कोई क्वेश्चन किसी का, कोई चीज ना क्लियर हुई हो? ऑनलाइन वाले भी और फिजिकल वाले भी, किसी किस्म का कोई पॉइंट, कोई चीज ना क्लियर हुई हो, कोई कंफ्यूजन हो क्या, हमारी किस तरह हम करेंगे काम, क्या चीजों का इश्यू आएगा, फिर उसके बाद मैं फर्दर थोड़ा सा प्लान शेयर करूंगा आपसे जो नेक्स्ट हम करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, सब क्लियर जी? ऑनलाइन वाले राज भी, लोकल भी, सब क्लियर है? यस सर। आप लोगों को कोई पॉइंट को समझ ना हो। अब इसमें होगा ये, हम थोड़ा सा जब काम शुरू करेंगे तो हम पहले 2 वीक जो है ना हम मैनुअल काम को देंगे, अपने एस्थेटिक्स को देंगे, इसमें हम थ्योरी को भी कवर करेंगे, हम हाथ से काम करेंगे थोड़ा सा मैनुअल काम, जो कल से हमने काम करना है वो हाथ से काम करना है, तो पेंसिल वर्क होगा, चीज कौन सा बिल्डिंग होगी, उससे क्या होगा हमें लेआउट और कंपोजिशंस बनाने का पता चलेगा कि हमने किस तरह करना है काम,
क्लियर, चीजों को किस तरह मैनिपुलेट करना है। देन हम साथ साथ ऐसा ऐसा टूल पे शिफ्ट होते जाएंगे, टूल्स को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फोटोशॉप करेंगे, देन इलस्ट्रेटर करेंगे, फिर उन टूल्स के साथ साथ उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में जो हम चीजें करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे स्टेशनरी करेंगे, थ्योरी का पार्ट्स साथ साथ हो जाएंगे। जब टूल एक्सप्लोर करेंगे, जब टूल करेंगे, हम फ्री हैंड काम करेंगे, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। फ्री हैंड काम होगा टूल्स को ग्रिप करने के लिए, रैंडमली काम होगा। उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे, उसमें सबसे पहले हम स्टेशनरी डिजाइन करनी सीखेंगे। स्टेशनरी में क्या होता है, सबसे पहले आपका लोगो आता है, देन विजिटिंग कार्ड आते हैं, देन आपके लेटर आएंगे, आपके देन कॉर्पोरेट फोल्डर्स आएंगे, कॉर्पोरेट एनवेलप्स आएंगे, ठीक है। इस तरह आपका आ जाता है, प्रोफाइल आ जाती है, कॉर्पोरेट प्रोफाइल जो कि जैसा वेबसाइट होती है वो अपनी मल्टीमीडिया पे प्रेजेंस होती है, और प्रोफाइल जो होती है वो हार्ड फॉर्म में आपकी कंपनी की प्रेजेंस होती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारी एडवर्टाइजिंग कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। जब कॉर्पोरेट स्टेशनरी बना लेंगे, इसको ब्रांड आइडेंटिटी भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट स्टेशनरी बोलते हैं, स्टेशनरी भी बोलते हैं। ये करने के बाद हर कंपनी की नेसेसरी होती है, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, उसके बगैर आपकी कम्युनिकेशन नहीं होती। उसके बाद आप करते एडवर्टाइजिंग कैंपेन करते हो, उसके दो पार्ट होते हैं, एक इंडोर कैंपेन होगी, एक आउटडोर कैंपेन होगी। इंडोर में जितनी भी चीजें प्रिंट होनी है पेपर पे, वो चीजें स्टडी करेंगे। उसमें फ्लायर आता है, ब्रोशर्स आते हैं, पंपलेट्स आते हैं, आपके बैनर्स, वो अपना बैनर कह रहा हूँ सॉरी, न्यूज पेपर एड्स आ देंगे, पोस्टर्स आ देंगे, गिव अवे आइटम्स आ देंगे, ठीक है, पैकेजिंग आ जाएगी, ये सारी चीजें आ जाती है आपकी इंडोर कैंपेन में। उसके बाद आ जाती है आपकी आउटडोर कैंपेन। आउटडोर में आपके क्या आता है, बैनर्स आते हैं, स्टीमर्स आते हैं, रोल अप स्टैंड आते हैं, एक्सटेंड आते हैं, बैकड्रॉप्स आते हैं, आपके होर्डिंग्स आ जाएंगे, बिलबोर्ड्स आ जाएंगे, नियॉन साइन आ जाएंगे, व्हीकल ब्रांडिंग आ जाएगी, ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं आपकी आउटडोर में। उसके बाद आ जाती है आपकी सोशल मीडिया कैंपेन। सोशल मीडिया कैंपेन में आपकी पोस्ट डिजाइन आ जाएगी, वेब आपका बैनर डिजाइन आ जाएगा, हेडर जो है डिफरेंट मीडियम से, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, इनके बैनर डिजाइन आ जाएंगे, इनकी प्रोफाइल पिक्चर की डिजाइनिंग आ जाएगी, ये चीजें आ जाएंगी। उसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया में फर्दर आपका, कि आपने अपनी पोस्ट की कोई कैंपेन डिजाइन करनी है, सोशल मीडिया कैंपेन डिजाइन करनी, वो किस तरह प्लान आउट करनी, किस तरह डिजाइन करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट में हमारी वेब पेज डिजाइनिंग आएगी, वेब पेज किस तरह डिजाइन करेंगे, या किसी ऐप का लेआउट डिजाइन करना है वो किस तरह करेंगे, वेब पेज और ऐप डिजाइन का। क्लियर, ये होगी हमारी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अपने टूल्स की, जिसमें जो टूल्स हम साथ साथ क्रिएट करेंगे उनमें हम ये प्रैक्टिकल चीजों को किस तरह डिजाइन करेंगे, इन चीजों की डिजाइनिंग सीखेंगे साथ साथ।